हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू पैसा ग्रोवर। आई होप कि आप सब फाइनेंशियली फ्री होंगे और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आलू से सोना बनेगा या फिर नहीं बनेगा ये तो नहीं पता, मगर ये वीडियो आपके पोर्टफोलियो को सोना बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज इस वीडियो रहने वाली है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक स्टॉक है एंड आप अभी तक थंबनेल और मेरी बात सुनकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मिस्टर राहुल गांधी सर का पोर्टफोलियो विजिट करेंगे, उनके लेवल्स को एनालाइज करेंगे और फिर उनका फ्यूचर ट्रेंड एनालाइज करेंगे। अब इससे पहले कि पॉलिटिक्स चालू हो जाए या फिर आप लोग बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई करने लग जाओ, उससे पहले हम इस एनालिसिस को खत्म कर लेते हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पर है, इसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। अब आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए आज के एनालिसिस को शुरू करते हैं। राहुल गांधी सर के पूरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है 4,33,00,000 रुपीज की और ये रिपोर्ट 15 मार्च के बाद शेयर की गई थी और इस पूरी वैल्यू का 1% होता है 4,33,000 रुपीज। सो डेली इनका पोर्टफोलियो 4,00,000 से 8,00,000 रुपीज के बीच में नॉर्मली मूवमेंट दिखा देता होगा अगर हम सिर्फ 1-2% फ्लक्चुएशन अज्यूम कर रहे हैं, जो कि एकदम नॉर्मल है। और जैसा हमारा राहुल गांधी सर बोलते रहते हैं कि इंडिया ग्रो नहीं हो रहा है, फिर भी उन्होंने काफी अच्छा कैपिटल क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है बिना किसी ग्रोथ एक्सपेक्टेंसी के भी। शायद उसका रीजन हो सकता है काफी सारा खानदानी पैसा। सो इन सभी को साइड करके इनके फर्स्ट स्टॉक पर चलते हैं। राहुल सर के पोर्टफोलियो की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, जिसमें इनके पास 1474 क्वांटिटी शेयर्स हैं। जिसको पीडीलाइट नहीं पता तो ये फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्रिल, एमसील और होबी आइडियाज की मैन्युफैक्चरर है। फिलहाल आपकी 3000 रुपीज पर ट्रेड हो रही है। सो राहुल सर के पोर्टफोलियो में 4,22,000 रुपीज की करंट वैल्यू सिर्फ पीडीलाइट इंडस्ट्रीज से ही आती है। सो इनके टोटल पोर्टफोलियो का 10% एलोकेशन तो पीडीलाइट में ही आ गया। इसके टेक्निकल्स देखते हैं तो फिलहाल पीडीलाइट इंडस्ट्री अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड हो रहा है और लास्ट 5 ईयर में इसने आपको 130% की पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है और 26 में से अभी तक आपका 8 टाइम्स हो गया। और अगर आप पीडीलाइट इंडस्ट्री को होल्ड करते हो तो आपका इसमें सपोर्ट रहेगा 2800 का और आप इसको 2800-2900 की रेंज में अपनी वोसेज मेट कर सकते हो। राहुल सर के पोर्टफोलियो का नेक्स्ट हाईएस्ट एलोकेशन है बजाज फाइनेंस लिमिटेड में, जो कि मनी लेंडिंग के सेक्टर में एक स्टेबल और लीडिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत 1987 में एज अ एनबीएफसी हुई थी। राहुल सर के पास इसके अंदर 551 शेयर्स हैं, जिनकी करंट वैल्यू है 39,47,000 रुपीज की, जो कि इनके पोर्टफोलियो का नेक्स्ट 9.10% एलोकेशन है और इसका रेवेन्यू नियरली 17-20% से एवरेज ग्रो कर रहा है, जो कि काफी अच्छा ग्रोथ है। फिलहाल आपका 7,100 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। मई 2014 से अभी तक आपका 3,448% मतलब 34 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अभी इसमें आपका स्मॉल सपोर्ट रहेगा 6,900 का, देन 6,200 का और रेजिस्टेंस रहेगा 7,800 एंड देन 8,200 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया की इंस्टेंट मॉर्निंग कॉफी, दैट इज नेस्ले इंडिया, जो कि कॉफी से अलग कोको क्रंच, मंच, किटकैट, मैगी और नेस्ले एवरीडे की मैन्युफैक्चरर है एंड इसकी करंट मार्केट कैप है 2,45,000 करोड़ की। राहुल सर के पास इसके 1,370 शेयर्स हैं और अभी आपका नियरली 2,530 रुपीज पर ट्रेड हो रही है, जिसकी मार्केट वैल्यू है नियरली 34,77,000 की। सो इसके अंदर इनका 8% पोर्टफोलियो एलोकेशन आता है और ये मई 2014 से अभी तक 440% इंक्रीज हुआ है एंड अपने ऑल टाइम हाई 2,750 के भी पास है। इसके अंदर आपका करंट सपोर्ट रहेगा 2,300 का और फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 2,625 का एंड देन 2,750 का। सो आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है आपका पेंट इंडस्ट्री सेगमेंट में एशियन पेंट्स लिमिटेड, जो कि इंडिया की लीडिंग और लार्जेस्ट लीडर है। इस इंडस्ट्री में इनके पास 60% का मार्केट शेयर है और अभी इसका कॉम्पिटिटर आ चुका है, जो कि ऑलरेडी अपने आपको नंबर 2 पर लाके खड़ा करने के लिए पूरा तैयार हो चुका है एंड ये आदित्य बिरला का एक पार्ट है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जिससे इसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वापस पोर्टफोलियो पर आते हैं तो इसमें इनके पास 1,231 शेयर्स हैं और फिलहाल आपका 2,900 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। सो इसकी टोटल करंट वैल्यू है 35,70,000 की, जो कि कंप्लीट पोर्टफोलियो का नियरली 8.20% है और ये मई 2014 से अभी तक 436% से इंक्रीज हुआ है और ये फिलहाल अपने हाई से 22% डाउन है एंड अभी इसका सपोर्ट रहेगा 2,690-2,700 का और रेसिस्टेंस रहेगा 3,000 का, देन 3,300 का एंड देन फाइनली 3,500 का। नेक्स्ट स्टॉक है मल्टीबैगर्स पिक, द वेल्थ मैग्नेट टाइटन कंपनी लिमिटेड, जो कि आपकी ज्वेलरी में तनिष्क, स्पेक्स में आई प्लस, सोनाटा, मिया, जोया और कार्टलेन जैसी बड़ी ब्रांड्स में वर्क करती है और ये प्रीमियम फैशन सेगमेंट में एक लीडिंग कंपनी है। राहुल सर के पास इसमें 897 शेयर्स हैं, जिसकी करंट वैल्यू 33,63,000 की, जो कि पूरे पोर्टफोलियो का नियरली 7.75% स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा है। फिलहाल आपका 3,750 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एंड मई 2014 से अभी तक इसने आपको 1,123% के रिटर्न्स दिए हैं और अपने 3,880 के हाई के पास है और फिलहाल इसका सपोर्ट रहेगा 3,500 का और रेसिस्टेंस रहेगा 3,880 का। नेक्स्ट स्टॉक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि सर्फ एक्सल, डव, लाइफ बॉय, हॉर्लिक्स, ग्लो एंड लवली, लक्स, नोर, लिप्टन और कोर्नेटो जैसी ब्रांड्स में वर्क करती है। इसमें इनके पास 1,161 शेयर्स हैं, जिनकी करंट वैल्यू है नियरली 26,40,000 की और इनके पोर्टफोलियो का 6% है और मई 24 से इसने 300% के रिटर्न्स दिए हैं। टेक्निकल्स देखते हैं, सभी तो आपके एक डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड हो रहा है और नियरली 26% लो
ऊपर है एंड फिलहाल इसमें सपोर्ट रहेगा इनका 2100 का और आपका इसमें रेसिस्टेंस रहेगा 2420 to 2450 का। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक लिमिटेड जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है फॉलोड बाय HDFC बैंक एंड इसकी मार्केट कैप है नियरली 770,000 करोड़ की। इसके पास 2299 शेयर्स हैं जिनकी करंट वैल्यू है 2470,000 की और ये पूरे पोर्टफोलियो का 5.50% होल्ड करता है एंड मई 2014 से आपका 328% ग्रो किया है। ये फिलहाल आपका 1070 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर इसका सपोर्ट रहेगा 970 to 975 का एंड देन 900 का। नेक्स्ट स्टॉक है आपका LTI माइंट्री लिमिटेड जो कि आपकी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में वर्क करती है और इसके अंदर 82,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके अंदर इनके पास 407 शेयर्स हैं जिनकी करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 20 लैक्स की है जो कि इस पोर्टफोलियो का नियरली 4.5% है और ये भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और फिलहाल 4900 रुपीज पर ट्रेड हो रही है। ये अपने हाई से 26% करेक्टेड है और अपने 4750 के सपोर्ट के काफी ज्यादा पास है एंड इसका रेसिस्टेंस रहेगा 5320 का एंड देन 5600 का। नेक्स्ट स्टॉक है दिविज लेबोरेटरी लिमिटेड जो कि आपकी जेनरिक API न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें इनके पास 567 शेयर्स हैं जिसकी करंट वैल्यू है 2120,000 की जो कि इनके पोर्टफोलियो का 4.89% है। ये आपका भी 3740 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और इसमें 5420 का हाई लगाया था वो भी कोरोना के टाइम पर और मई 2014 से अभी तक आपका 470% पॉजिटिव है एंड अपने हाई से फिलहाल 38 to 39% करेक्टेड है और इसके अंदर अभी आपका सपोर्ट रहेगा 3300 का एंड रेसिस्टेंस रहेगा 4000 का और अभी आपको इसके अंदर एक गुड रिकवरी देखने के लिए भी मिल रही है। 10th स्टॉक है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोटिव केबल हेलोजन बल्ब और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में वर्क करती है। इसमें इनके पास 4068 शेयर्स हैं जिनकी करंट वैल्यू 1753,000 है जो कि इनके पोर्टफोलियो का 4% शेयर है और ये मई 2014 से अभी तक 480% पॉजिटिव है और ये अपने हाई 475 के काफी ज्यादा क्लोज है सो वही इसका रेसिस्टेंस रहेगा एंड फिलहाल इसका सपोर्ट है 350 to 360 का। आप इसको इन लेवल्स के साथ अपनी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हो। 11th स्टॉक है गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड। ये कंपनी टेक्निकल टेक्सटाइल की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये आपकी फिशिंग नेट्स, शिपिंग स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, कोटेड फाइबर्स एंड जियोसिंथेटिक्स में वर्क करती है। इसके अंदर इनके पास 508 शेयर्स हैं जिसकी करंट वैल्यू 1690,000 की जो कि इस पूरे पोर्टफोलियो का 3.85% का स्टेक होल्ड करता है और मई 14 से अभी तक आपका 4200% इंक्रीज हुआ है मतलब इसने 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ में चेंज कर दिया और फिलहाल इसके अंदर आपका फर्स्ट स्मॉल सपोर्ट रहेगा 3260 का देन 3000 का और रेसिस्टेंस रहेगा 3450 का देन 3650 का। नेक्स्ट स्टॉक आपका मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड। चाहे आपकी कोई पेंट कंपनी हो या फिर कोई रेस्टोरेंट की पैकेजिंग हो और या फिर कोई आपका ल्यूब एंड ग्रीस का कंटेनर हो, इन सभी को सर्व करने के लिए गुड क्वालिटी का पैकेजिंग कंटेनर चाहिए जिसको खुद मोल्टेक पैकेजिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें इनके पास 1953 शेयर्स हैं जिनकी करंट वैल्यू 1681,000 रुपीज की है और ये पूरे पोर्टफोलियो का 3.87% का पोर्शन लेके बैठा है। ये करंटली 860 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक आपको ऑलरेडी 700% के रिटर्न दिखा चुका है और अभी अपने हाई से 23% करेक्ट हो गया है। अभी इसके अंदर आपका फर्स्ट स्मॉल सपोर्ट रहेगा 830 का और नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 650 का और रेसिस्टेंस देखें तो फिलहाल इसका फर्स्ट रेसिस्टेंस है 940 का देन 1100 का और आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है इंफोसिस लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, इंडिपेंडेंट वैलिडेशन सर्विसेज टू फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज में वर्क करती है जिसके इनके पास 870 शेयर्स हैं जिसकी करंट वैल्यू है 1287,000 की जो कि इनके करंट पोर्टफोलियो का 2.9% है। फिलहाल आपका 1480 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और मई 2014 से अभी तक आपका 280% ग्रो किया है और अपने हाई से नियरली 25% डाउन है और आप देख सकते हो कि अभी आपका लेवल्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। फिलहाल इसका सपोर्ट है 1350 का और रेसिस्टेंस रहेगा 1630 का। नेक्स्ट स्टॉक है GMM फोडलर लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एक लीडिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके 1121 शेयर्स है राहुल सर के पोर्टफोलियो में जिनकी करंट वैल्यू 1527,000 की और ये पोर्टफोलियो का नियरली 3.5% लेके बैठी है और अभी आपका 1360 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक इसने 482% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। ये अपने हाई से ऑलरेडी 35% करेक्टेड है एंड फिलहाल इसमें आपका सपोर्ट रहेगा 1200 का और रेसिस्टेंस रहेगा 1670 का। इस लिस्ट का 15th स्टॉक है इंडियन तंबाकू कंपनी लिमिटेड जिसके अंदर सिगरेट्स के साथ साथ आशीर्वाद, बिंगो, यिप्पी, क्लासमेट, ITC होटल्स जैसी ब्रांड्स आती हैं एंड राहुल सर के पोर्टफोलियो में इसके पास 3093 शेयर्स हैं जिनकी करंट वैल्यू है 1320,000 रुपीज की जो कि इस पोर्टफोलियो का 3% एलोकेशन है। फिलहाल आपका 427 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है और लास्ट में 2014 से अभी तक आपको 100% रिटर्न्स दिखा चुका है और फिलहाल अपने हाई से 15% करेक्टेड है एंड फिलहाल इसका सपोर्ट रहेगा 400 का और आपका रेसिस्टेंस रहेगा 455 का एंड देन इसके अंदर आपका फाइनल रेसिस्टेंस रहेगा 500 का। नेक्स्ट स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी कार डोर फ्रेम्स, विंडो चैनल्स, इंपैक्ट बीन्स, हाइड्रोफोन पार्ट्स वगैरह
मैन्युफैक्चर करती है। इसके टोटल 340 शेयर्स हैं राउल सर के पोर्टफोलियो में, जिसकी करंट वैल्यू है 12,24,000 की, और फिलहाल उनके पोर्टफोलियो का 2.8% का एलोकेशन है। अभी आपका 3600 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक इसने आपको 1322% के रिटर्न दिए हैं, और अभी इसमें आपका सपोर्ट रहेगा 3400 का और रेसिस्टेंस रहेगा 4130 का। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये सोडियम नाइट्रेट की लीडिंग प्रोड्यूसर है और ये एग्रोकेमिकल कोलोरेंट, रबर, फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स में वर्क करती है। इसके 568 शेयर्स राहुल सर के पास हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 12,62,000 की, और इस पोर्टफोलियो का 2.9% पार्ट है। ये फिलहाल आपका 2,222 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और मई 2014 से अभी तक इसने आपको 2,486% की ग्रोथ दिखाई है। फिलहाल अपने हाई से 26.20% करेक्टेड है, एंड फिलहाल इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 2050 का और रेसिस्टेंस है 2380 का एंड देन 2520 का। इस लिस्ट का 18th स्टॉक है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स लिमिटेड, जो कि आपकी डायग्नोस्टिक एंड रिलेटेड हेल्थ केयर टेस्ट में वर्क करती है। इसके अंदर 516 शेयर्स राहुल सर के पास हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 11,75,000 की, जो कि इस पोर्टफोलियो का 2.7% एलोकेशन है। अभी आपका 2,278 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, ये जब से लिस्ट हुई है तब से अभी तक इसने आपको 154% के रिटर्न्स दिए हैं, और अपने हाई से फिलहाल 46% करेक्टेड है, और फिलहाल इसके अंदर आपका सपोर्ट रहेगा 1930 का और रेसिस्टेंस रहेगा 2530 का। इस लिस्ट का 19th स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड। एक आईटी कंपनी है जो कि आईटी सर्विसेज में, कंसल्टिंग में और बिजनेस सॉल्यूशंस में वर्क करती है। राहुल सर के पास इसमें 234 स्टॉक्स हैं, जिनकी करंट वैल्यू है 9,32,000 की, और इस पोर्टफोलियो का 2% का पार्ट है। फिलहाल आपका 3,983 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और तब से अभी तक इसने 274% का रिटर्न दिया है। फिलहाल ये नियरली अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड हो रहा है, और फिलहाल इसका सपोर्ट है 3,650 का और रेसिस्टेंस है 4,250 का, जो कि इसके करंट प्राइस से 8% और 6% की दूरी पर है। नेक्स्ट स्टॉक है आपका फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी केमिकल्स और स्पेशलिटी एडिटिव्स में वर्क करती है, जो कि आपकी बेकरी, ऑयल ब्लाइंडर्स में यूज होते हैं। इसके 211 शेयर्स राहुल सर के पास हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 9,15,000 की, जो कि पोर्टफोलियो का नेक्स्ट 2% एलोकेशन है। फिलहाल आपका 4,340 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से अभी तक इसने आपको 437% के रिटर्न्स दिए हैं, और अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। फिलहाल इसका फर्स्ट सपोर्ट है 4,000 का, देन 3,500 का, और इसके अंदर आपका रेसिस्टेंस रहेगा 5,180 का। इस लिस्ट में 21st स्टॉक है एल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड। ये इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंसेज एंड एप्लीकेशंस में वर्क करती है। राहुल सर के पास इसमें 373 शेयर्स हैं, जिनकी करंट वैल्यू नियरली 7,80,000 रुपीज की है, जिसको इस पोर्टफोलियो में 1.80% का एलोकेशन मिला है। फिलहाल आपका 2,110 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और मई 2014 से अभी तक इसने आपको 3,480% की ग्रोथ दिखाई है। से पहले तो आपके काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में है, और अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 55% करेक्टेड है, एंड अभी भी आपके डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। सो एक रिस्क इन्वेस्टमेंट है फिलहाल के लिए, और इसमें अभी के लिए आपका सपोर्ट रहेगा 1400 का और रेजिस्टेंस रहेगा 2780 का। नेक्स्ट स्टॉक है आपका इन्फोएज इंडिया लिमिटेड, या फिर नौकरी। ये आपके इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज में वर्क करती है, लाइक मैट्रिमनी, रियल एस्टेट एंड एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में। इसके अंदर 85 स्टॉक्स राहुल सर के पोर्टफोलियो में, जिनकी करंट वैल्यू है फिलहाल 4,80,000 रुपीज की, जो कि पूरे पोर्टफोलियो का 1% है। फिलहाल आपका 5,650 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और ये मई 2014 से अभी तक 700% से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर चुका है, और ये भी आपका अपने हाई से 24% करेक्टेड है। सो फिलहाल इसमें आपका सपोर्ट रहेगा 4,900 का और रेसिस्टेंस है 6,650 का, एंड देन इसका हाई इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 7,475 का। नेक्स्ट स्टॉक है विनाइल केमिकल्स लिमिटेड। ये अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड और एक्रिलिक कंपाउंड एंड स्टायरिन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अंदर 960 शेयर्स राहुल सर के पास हैं, जिसकी करंट वैल्यू 3,91,000 की है, और इनके पोर्टफोलियो का 0.9% का पोर्शन है। फिलहाल आपका 400 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और मई 2014 से अभी तक इसने ऑलमोस्ट 2,200% के रिटर्न्स दिए हैं। ये अपने हाई से 56% करेक्टेड है, और इसमें आपका सपोर्ट रहेगा 300 का और रेसिस्टेंस रहेगा 490 का। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है वर्टोस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में वर्क करती है, जिसके अंदर इनके पास 260 शेयर्स हैं, जिनकी करंट वैल्यू है नियरली 2,00,000 रुपीज की, जिसका करंट पोर्टफोलियो एलोकेशन है 0.46% का। फिलहाल आपका 770 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है, और अभी तक 933% के रिटर्न्स दे चुका है, और फिलहाल इसके अंदर आपका सपोर्ट रहेगा 690 का। सो ये थे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सर का पोर्टफोलियो, जो कि रियली क्वालिटी पोर्टफोलियो है। मगर मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे राहुल गांधी सर बोलते हैं कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, तो क्यों नहीं हो रही ग्रोथ, और आपको कहां नहीं दिख रही ग्रोथ? आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आके कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर मैं आपको डेली अपडेट और एनालिसिस देता रहूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नाउ आई होप कि आप सभी को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अपने फैमिली ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिसके साथ आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। एंड और भी ऐसी क्वालिटी एनालिसिस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब हम भी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, बी वेल्दी।